Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is 5th generation of CT scanner. Video start करने से पहले अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो आप channel को subscribe कर दीजिए for further informative videos related to radiology. तो आइए video start करते हैं. Fifth generation of CT scanner. This scanner were often referred to as Cine CT scanner or electron beam computed tomography. इस scanner को हम Cine CT scanner भी कहते हैं और electron beam computed tomography भी कहते हैं. This imaging technology is called electron beam imaging or ultrafast. इस imaging technology को हम electron beam imaging or ultrafast कहते हैं. It uses large electron gun as its X-ray beam source. इसमें हम एक large electron gun का use करते हैं जो X-ray tube है और इसमें से क्या pass होता है X-ray beam. A massive anode target is placed in semicircular ring around the patient. इसमें जो anode target है वो patient के semicircular ring में लगा हुआ होता है. Neither the X-ray beam source nor the detector move. इसमें ना तो X-ray beam source जो X-ray tube है ना तो वो move करती है और ना ही जो detector से ना ही वो move करते हैं. इसमें दोनों stationary रहते हैं. Specially used in cardiac tomo imaging. ये generation ज़्यादातर cardiac tomography imaging में use होती है. Heart के लिए use होती है. Cardiac means heart. In this we use electron beam विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं जो इजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और वो किस शेप में होती है फैन बीम की शेप में होती है वो. ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम जान लेते हैं. इस जनरेशन को हम स्टेशनरी डिज़ाइन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर दोनों ही मूव नहीं करते हैं. ठीक है, इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं EBCT के इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी के. वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, टंगस्टन, टारगेट और डिटेक्टर. ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं इसके. ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है. ये फोकस कॉयल है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन फोकस होते हैं. ये डिफ्लेक्शन कॉयल है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होके टारगेट रिंग पे जाते हैं और यहाँ से DAS पे जाते हैं, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. अब जो आप ये ग्रीन कलर के सोर्स देख रहे हो ये डिटेक्टर है जो डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. ये फ्लाइंग फोकल स्पॉट है और इधर साइड में ये टारगेट रिंग है, बीच में ये पेशेंट है और ये रेड कलर की रेज आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन बीम है इन द शेप ऑफ फैन बीम. अब ये देख लेते हैं ये वर्क कैसे करता है. Now next is advantages. It allows for very high speed image acquisition, ultimately allowing for the production of CT movies of beating heart. ये generation हमारी help करती है जो हमारा beating heart है उसकी movement को capture करने में, उसकी fast images को capture करने में ये हमारी help करती है. इसमें each scan time is about 50 milliseconds. इसका हर एक scan time जो है 50 milliseconds का होता है. कैप्चर द यूनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट और कैप्चर करती है जो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट है उसको भी आसानी से कैप्चर करती है. ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे. नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है. नॉट वेरी वर्सेटाइल स्पेशली यूज इन कार्डियक इमेजेस. मतलब ये सिर्फ ज़्यादातर कार्डिक इमेजिंग में ही यूज़ किया जाता था. हार्ट की इमेजिंग के लिए ही यूज़ करते हैं इसको और बॉडी पार्ट्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं. अल्टीमेटली नॉट अ वेरी पॉपुलर एडिक्शन टू द फील्ड ऑफ मेडिकल इमेजिंग. और ये हमारी मेडिकल इमेजिंग की फील्ड में ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है. सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो 5th जनरेशन ऑफ CT स्कैनर. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए और आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू रेडियोलॉजी.
आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।